Dear students, in this module, we are going to discuss dependency theory and its impact on our, its interpretation of the global, globalization and global stratification. Dependency theory is a perspective that explains the global stratification as a result of economic exploitation and domination by the more powerful countries. जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर देखा कि मॉडर्नाइजेशन थीरी जो है वो इस सारे प्रोसेस को इस अंदाज से देखती है इंटरप्रेट करती है कि चूँकि मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो एक एडवांस स्टेज के ऊपर हैं और उनके जो पैटर्न्स हैं उनको फॉलो करके जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं वो भी एडवांस स्टेज के ऊपर आ सकती हैं जो डिपेंडेंसी थीरी है ऑन द अदर हैंड ये इस सारे प्रोसेस को जो है क्रिटिकली देखती है क्रिटिकली एवेल्यूएट करती है डिपेंडेंसी थीरी के प्रोपोनेंट्स के मुताबिक जो भी एडवांस कंट्रीज हैं जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है एक्सप्लॉइट करती हैं उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं और रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके ही असल में वो डेवलपमेंट के इस स्टेज के ऊपर पहुँचे हैं सो अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी लेस डिवेल्प कंट्रीज़ आर कैप्ट स्टेट ऑफ पावर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ़ देयर डिपेंडेंस ऑन मोर पावरफुल नेशंस फॉर रिसोर्स एंड मार्केट्स। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो ये एक काइंड ऑफ विशियस साइकिल ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें से जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो कभी भी नहीं निकल सकती क्योंकि उनको हमेशा जो है वो फ़ॉरन एड का डिपेंडेंट बनाया जाता है और इस फॉरन एड के प्रोसेस के अंदर वो पड़ी रहती हैं और कभी भी वो डेवलपमेंट की उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती जिस स्टेज के ऊपर डिवेल्प कंट्रीज हैं तो डिपेंडेंसी थीरी के प्रोपोनेंट्स का ये ख्याल है कि जब तक फॉरेन एड का ये चक्कर चलता रहेगा जब तक के लेस डवेल्प कंट्रीज़ जो हैं वो डवेल्प कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी चाहे वो टेक्नोलॉजी हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उनकी लाइफ आइडियोलॉजी हो तब तक जो है ये कंट्रीज़ कभी भी डेवलपमेंट की फ़ेज़ या स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच सकती हैं सो दिस थीरी सजेस्ट दैट ग्लोबल इनिक्वालिटी एंड पावर्टी कैन ऑनली बी एड्रेस्ड थ्रू रेडिकल पोलिटिकल एंड एक्नॉमिक रिफॉर्म्स दैट चैलेंज द करेंट पावर स्ट्रक्चर्स एंड करिएट मोर एक्टेबल सिस्टम तो जब तक इस पूरे निज़ाम को चैलेंज नहीं किया जाएगा जब तक इस फॉरन एड के इस घन चक्कर से नहीं निकला जाएगा और ख़ास तौर पर जब तक लेस्ट डेवलप कंट्रीज जो हैं वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी अपना यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी यूनिक आइडियोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं गुजरती हैं तब तक डिपेंडेंसी का जो ये प्रोसेस है ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस की बड़ी वाज मिसाल है जिसको डिपेंडेंसी थीरी इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि कंट्रीज़ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इन्वेस्टमेंट एंड टू एडवोकेट फॉर ग्रेटर एक्नॉमिक एंड पोलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन जो फॉरन एड है पाकिस्तान उसके ऊपर जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक जो है डिपेंडेंट रहा है और कभी भी इससे जो है वो बाहर नहीं निकल सका आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान गर्दिशी कर्ज़ों का शिकार है और उसके जी डी पी का एक बड़ा शेयर जो है वो उस कर्ज़ों का सूद देने के ऊपर निकल जाता है और इसी वजह से आज हमारी माशी हालत जो है वो अबतर से अबतर होती जा रही है तो इट्स फूड फॉर थाट फॉर यू कि आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान की तारीख के अंदर फ़ॉरन एड या फ़ॉर इन्वेस्टमेंट ने पाकिस्तान को इस विश साइकिल के अंदर जो है वो घेरे रखा है और आज पाकिस्तान जिस पोजीशन के ऊपर है फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थी हम इसको असेस करें कि अगर पाकिस्तान इसी तरह से डिपेंडेंट रहता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान इस सारे चक्कर से निकल के एक डेवलप कंट्री की तरह बाकी डेवलप कंट्रीज़ की तरह ये एक खुशहाल मुल्क बन सकता है तो इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू